जैसा कि आप भी जानते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री इस बार लॉकडाउन के बाद से काफी ज्यादा ही बदल चुका है। इस साल कुछ खास समारोह नहीं हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये साल भले खास ना हो, नेक्स्ट ईयर बहुत खास होने वाला है। चलिए हम आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में मुकेश अंबानी की बहू श्लोका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और प्यारे से बेटे के जन्म पर आपने शायद सोचा भी ना हो कि मुकेश अंबानी ने अपनी खुशी कैसे जाहिर की। खैर, इसके बाद आपको बता दें कि रिसेंटली एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है ईशा अंबानी ने और उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर सितारे नजर नहीं आए क्योंकि लॉकडाउन है, ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। खैर, जब बात हो रही है मुकेश अंबानी के घर परिवार की, तो याद हो आपको अंबानी परिवार की पार्टी लास्ट ईयर ईशा अंबानी की शादी की पार्टी में इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में पूरा बॉलीवुड का जमावड़ा देखने को मिला था। उसी पार्टी की हम बात कर रहे हैं जहां ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, सलमान खान और प्रियंका निक से लेकर दीपिका रणवीर और तो और नजर आए थे करीना सैफ, करिश्मा कपूर तक, जानवी खुशी और बोनी कपूर तक। बॉलीवुड के हर बड़े दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला था। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे अब इस पार्टी में, जहां पर बड़ी ही खूबसूरत तरीके से स्वागत शाही अंदाज में ऐश्वर्या के परिवार सलमान का परिवार का किया गया। सलमान अकेले ही ग्रैंड एंट्री करते नजर आए थे, लेकिन ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या और अपने पति अभिषेक के साथ पहुंची थी। सलमान ऐश्वर्या को कई जगह पर साथ नहीं देखा गया, लेकिन आमने सामने इस पार्टी में ये दोनों ही थे, जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ मेहमानों को खाना परोसते नजर आई थी। अमिताभ बच्चन भी यही काम करते नजर आए थे। शाही ठाट बाद अंबानी परिवार का खास था और वहां पर बॉलीवुड सितारों का भी बड़ी ही शाही अंदाज में स्वागत किया गया था। उसी दौरान की ये ग्लिम्स हम आपके बीच लेकर आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।